व्हाट? शबरेज लॉकअप पे है? है नहीं, था कल रात ही उसे अंकल ने रिलीज करवा लिया। लेकिन क्यों? अपेरेंटली शबरेज ने उस लड़की के घर जाके कोई तमाशा किया, तो उसके वालिद ने उसे लॉकअप में बंद करवा दिया। शबरेज उस लड़की के लिए लॉकअप तक होएगा? आई कुड नेवर इमेजिन। Entirely your fault. We all know how crazy he is. तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे गुस्से से क्या होगा? वो तो वही रहा है जो शबरेज से आता है। तुम मुझे उस लड़की का नंबर लाके दे सकते हो? मैं उस लड़की का नंबर कैसे लाके दे सकता हूँ? मुझे क्या पता वो कौन है, कहाँ रहती है? तो पता लगा। उसे क्या होगा? शबरेज तुम्हारा हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे उस लड़की का एड्रेस और नंबर लाके दो। शबरी से पूछना तो इम्पॉसिबल है, वो क्यों देगा मुझे इस लड़की का नंबर? तुम आंटी से बात क्यों नहीं करते? आंटी के पास होगा उसका नंबर। इनफैक्ट वो तो उसके घर भी होके आ गई। ओह यस, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे आंटी से मिलना पड़ेगा। एलेना, मेरी बात मान, शबरेज के चक्कर से निकल आओ। जो लड़का एक लड़की के पीछे इतना क्रेजी है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से हार मानने वाली तो मैं भी नहीं हूं। मैं शबरेज को अपना बना के दिखाऊंगी तुम्हें। आर्या, मेहर कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। मेहर तो नहीं आई आज? आज नहीं आई? तुम क्यों हैरान हो? हैरान तो मुझे होना चाहिए। पहले तुम नहीं आ रहे थे, आज मेहर नहीं आई है, और अब जब तुम आए हो तो तुम मेहर को ढूंढ रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। क्या सोच रहे हो? कोई जरूरी बात है तो उसे कॉल कर लो ना यार। उसका फोन बंद है। मेहर का नंबर तो कभी बंद नहीं होता। मेरी कल ही बात हुई है उससे यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसने कोई बात की है मेरे बारे में? तुम्हें कुछ बताया? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था तुम ढूंढ रही थी। मैं जब बताया तुम नहीं आए हो तो परेशान सी हो गई। वो ठीक थी? आई मीन, उसे कुछ हुआ तो नहीं था? मैं समझी नहीं। मतलब मेहर ने अपने घर के बारे में कोई जिक्र किया तुमसे? नहीं, घर का जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी। मेरे पूछने पे भी कुछ बताया नहीं उसने मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था जब मुझे पता चला कि रात को यहाँ ये तमाशा हुआ है। अरे, उस लड़के की हिम्मत तो देखो, क्या घर चला आया वो? आप जाने देना, आपकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पिए आप। अरे कैसे जाने दूं? चाय ठंडी हो रही है। मेरा उस्मान जब यहाँ आता था तो इन्होंने कितनी बातें सुनाई थी हमें। हालांकि ये घर का बच्चा था, हमारा इस घर से खून का रिश्ता है, लेकिन इन्होंने जरा लिहाज नहीं किया हमारा। अब पता लगा इन्हें? लगा पता है इनकी दूसरी बेटी और इनके ना होने वाले दामाद ने इनकी कितनी इज्जत अफजाई की है। मैंने तो हमेशा इस घर को और यहाँ के लोगों को अपना समझा, लेकिन खालू ने हमेशा मुझे गैर ही समझा। अब देख लेना, एक गैर लड़का कितनी बदनामी देकर गया है। अरे भाई साहब, अपने अपने ही होते हैं। अब क्या सोचा आप लोगों ने इस बारे में? हैं? मेहर का निकाह कर रहे हैं कि नहीं? कर दे उसे रुखसत। रिश्ता तय कर दिया है इसको। हाँ, यही अच्छा है। मजीद देर मत करें, वरना वो लड़का कल आकर आपकी नाक के नीचे से ना लड़की को भगा कर ले जाएगा। नहीं आपा, हमारी मेहर ऐसी नहीं है। अरे कैसी है वो, ये तो सारी दुनिया ने देख लिया बहुत अच्छी तरह। अरे ये अपनी बेटी की तारीफ करते थकते नहीं थे। उसने क्या किया? दिन में तारे दिखा दिए, है ना? और तुम लोगों को पुलिस बुलवा कर उसके आशिक को पकड़वाना पड़ा। पता लगा? पता लगा खरे खोटे की पहचान हुई तुम लोगों को? अरे मेरा उस्मान हीरा है, हीरा।
उठ के ही चले गए। नहीं, छोड़े ना इन बातों को। अरे मैंने ऐसी कौन सी दुनिया से अलग बात कर दी, जो सच है वही तो कहा है। कम से कम दूसरों की तरह इस घर की इज्जत को खाक में तो नहीं मिला रही ना मैं। अरे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए इस लड़की के। तेवर देखे तुमने अपनी बेटी के, सलाम दुआ से भी गई। सरा जो इसकी आंखों में निदामत हो, शर्म हो, कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बिना इजाजत किसी के रूम में दाखिल नहीं होते इस तरह? किसी? तुम शायद भूल रहे हो कि बहुत जल्द ये रूम मेरा भी होने वाला है। इस तरह की किसी खुशफहमी को अपने दिलो दिमाग पर सवार मत करना, बहुत पछताओगी तुम। मैं पछताऊंगी? मैं? हाँ तुम पछताओगी। बैठो, बात करनी है तुमसे। मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, प्लीज जाओ यहां से। उस लड़की के लिए लॉकअप तक से हुआ है और मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तुम? ऐसे ही हूं मैं। कौन है वो, कहां रहती है बताओ मुझे, मिलना चाहती हूं मैं उससे। तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? सालों मैंने तुम्हारा इंतजार किया है और तुम उस लड़की के पीछे पागल हो रहे हो। पागल हूं मैं उस लड़की के पीछे, और ये जानने के बाद तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं अपनी जगह उस नीच लड़की को कभी नहीं दे सकती। जबान संभाल कर बात करो। मेहर के लिए ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकता मैं, जाओ यहां से। आउट। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उस लड़की की वजह से शबरेस ने मेरी इंसल्ट की है, कमरे से निकाल दिया मुझे। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम्हें ही शौक था शबरेस से अपनी इंसल्ट करवाने का। जीना हराम कर दूंगी मैं उन दोनों का। कैसे? शबरेस तो तुम्हें घास डालने के लिए तैयार नहीं। शट अप परेशान। आई एम सॉरी, लेकिन फैक्ट यही है कि शबरेस को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही बात तो मुझे जला रही है। लिसन, तुम्हें लड़कों की कोई कमी है? तुम छोड़ो शबरेस को। ये पॉसिबल नहीं है। आई रियली लाइक हिम। तुम्हें कोई और मिल जाएगा। कोई और नहीं चाहिए, मुझे शबरेस से ही शादी करनी है और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। हेलो, कहाँ जा रही हो? जिम जा रहे। किसकी इजाजत से? अम्मी से पूछ कर जा रही। अम्मी से पूछ के? अम्मी, अम्मी, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी, ज़ारा, आ रही हूँ भाई। क्यों आवाजें दे रही हो? घर से बाहर क्यों जा रही हो? मैंने इजाजत दी है इसे। बाबा ने इसका फोन तोड़ दिया, आप इसे घर से बाहर जाने की इजाजत कैसे दे सकती हैं? भाग गई, वापस ही नहीं आई, फिर क्या करेंगी आप? क्या फजूल बोल रही हो? मैं फजूल बोल रही हूँ? वो शबरेस जो घर के सामने उस दिन तमाशा लगा के गया है, अम्मी वो भूल गई आप? तुम्हारे बाबा ने इसे कैद रखने को नहीं कहा है, ये चाहे तो यूनिवर्सिटी भी जा सकती है। बेटियों को कैद नहीं रखा जाता बेटे। मत करें कैद से, मजीद छूट दे दे ताकि कोर्ट मैरिज करके मजीद जलील करवाइए हमें। ज़ारा, तुम अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में रहूं? और वो जो तुम्हारा हीरो उस दिन तमाशा लगा के गया है घर के सामने, वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें?
मेरे शरीफ उन्नस बाप को पुलिस बुलानी पड़ी। शरीफ घरानों के दरवाजे पे पुलिस आने का मतलब समझती हो तुम? लोग तो मुझ पे भी उंगलियां उठाएंगे। जैसी बड़ी वाली है छोटी भी वैसी होगी, चक्कर चल रहा होगा किसी से। सहरा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अंदर चली जाती हूँ, इसको बाहर भेज दें ताकि वहीं से कोई मौलवी पकड़ के निकाह कर ले। फिर देती रहिएगा अपने उस दामाद को और अपनी बेटी को मुबारकबादें। जो कुछ जारा कहकर गई है ना, बिल्कुल वही खदशात हमारे भी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें घर में बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी तरबियत पर गुरूर है। याद रखना मेहर, अगर ये गुरूर टूटा ना तो हम भी टूट जाएंगे। इसलिए जैसी जाओगी बिल्कुल वैसी वापस आना। लो भाई, आ गया तुम्हारा जिम। थैंक यू। थैंक गॉड तुमने उस शबरेज से हटके कोई बात की। तो कैसे ड्रॉप नहीं करता? बस वाकई घर में रह के मैं बिल्कुल पागल हो जाती। तो फिर अच्छा किया ना जिम चली आई। अच्छा सुनो, ड्राइवर को कॉल करूं या तुम पे करने आओगे? मैं पे कर लूंगा। बहुत प्राउड है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। You know her? Of course, instructor है मेरी। Wow, मिलाओ ना इससे। मेहर, excuse me, जी। This is my brother Kashan. Hello, हम मिल चुके हैं। याद है? पहले lift में, फिर parking में। Hi. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अलेना, आप आ रही हैं अंदर? या आई एम जस्ट कमिंग। ओके। क्या हो गया, इतनी पसंद आ गई है? बहुत। इमेजिन करो तुम्हारी भाभी बनकर कैसे लगेगी। भाभी? आर यू किडिंग मी? नो, आई एम सीरियस 100%। रियली? यस। लव एट फर्स्ट साइट का सुना है? साहबजादा काशान अली खान अपना दिल दे बैठे हैं। ओके, कहते हो तो तुम्हारा प्रपोजल दूं? प्रपोज तो मैं खुद ही कर लूंगा, तुम बस इसे मेरी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो। मैं किसे बर्थडे पार्टी पे लेके आऊं? वो तो इनवाइट करने पे ही मना कर देगी। उसे कैसे बुलाना है ये अब तुम सोचोगी। फाइन, डन, आई विल ट्राई। Keep your back straight. Meher, and all the way back. Yes? Do you need any help? No, I'm fine. Actually, kal mera birthday hai, main aapko invite kar rahi hoon. You have to come. Oh, happy birthday in advance. And thank you for the invite. Lekin main aa nahi sakungi. Oh, come on. Maine sabko invite kiya hai. Aap aayenge to mujhe bahut acha lagega. I insist. Actually, mujhe ghar se permission nahi mile. आप प्लीज इनकार नहीं करें। अच्छा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपके घर आके आपकी मामा से खुद परमिशन लेती हूँ। प्लीज। ओके। शबेश, तुम क्यों आए हो यहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। कहाँ? तुम चलो ना मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती शबेश। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग देख रहे हैं शबरेज। बैठो प्लीज।
शबरीज क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? शबरीज, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? पापा ने तोड़ दिया। फोन तुम्हारा टूट गया यूनिवर्सिटी, तुम जा नहीं रही हो। मैं दीवानों की तरह हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, तुम्हें मेरा एहसास है या नहीं? अच्छी निकली हूँ। क्यों, बाबा ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी क्या? नहीं, शबरीज मुझे जाना है। हाँ, तुम घर चली जाओ ताकि फिर मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिरूं। तुम यही चाहती हो क्या? तुमने मुझे क्या समझा भाई? तुम मत ढूंढो ना, एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो। और तुमने मानी है? मैंने नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। पास और कोई रास्ता नहीं। शादी करोगी मुझसे? बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? शादी करोगी या नहीं? जैसे ये सुनो। नहीं, जानता था मैं तुम्हारा यही जवाब होगा। मेरी मजबूरी है शबरीज, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, फिर तुम उस शादी से इनकार कर दो। तुम अपने बाबा से कहो कि तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी और मेरा इंतजार उस वक्त तक करोगी जब तक सब मान नहीं जाते। करोगी ऐसा? कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? करती हूँ, लेकिन कुछ नहीं। जब मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डाल के जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करा, तो मेरा साथ तो दो। करो इस शादी से इनकार। मैं अकेला ये सब कैसे? बोलो, तुम शादी से इनकार करोगी या नहीं? पूछ रहा हूँ, कुछ करोगी या नहीं? करूंगी। फोन रखो। ये कैसे ले सकते? रखो ना फोन यार, प्लीज इसे ऑफ ना करना। तुम्हारा फोन ऑफ मिलता मेरी सांसें बंद होने लगती हैं। मैं सच में बहुत प्यार करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारा इंतजार अपनी आखिरी सांस तक कर सकता हूं, बस तुम पीछे ना हटना, सबसे टकरा जाऊंगा, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम कभी पीछे ना हटना प्लीज। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आंटी, मैं मेहर को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने आई हूँ, आई होप आप इनकार नहीं करेंगी। मैंने मना किया था मैं, लेकिन ये जिद कर रही थी आपसे मिलने के लिए। बेटा, मेहर का आना इतना जरूरी तो नहीं है? बिल्कुल जरूरी है आंटी, इंस्ट्रक्टर है मेरी, ये आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रात देर हो जाएगी और इसके बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है रात देर तक बाहर रहना। मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगी पिक करने, और ड्रॉप भी वही करेगा, मेहर को कोई टेंशन नहीं होगी। आंटी, एक घंटे की तो बात है, मैं जल्दी ड्रॉप करवा दूंगी, आप प्लीज इजाजत दे दें। अच्छा ठीक है, आप ड्राइवर भेज दीजिएगा, मेहर आ जाएगी, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रात देर ना। जी, थैंक यू।
लेना। प्लीज आए बैठे। एलेना पार्टी तो बाहर थी, आप मुझे अंदर क्यों ले आए? एक्चुअली बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं और आपको मॉम से मिलवाना था। आप बैठे, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ठीक है। बाय द वे हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। मैं बर्थडे बॉय को बुला के लाती हूँ, उसे खुद दे देना। बर्थडे बॉय? All set? ऊपर ड्राइंग रूम में है। अच्छा सुनो, ढंग से प्रपोज करना ताकि वो तुम्हें इनकार ना कर सके। तुम्हें लगता है कोई लड़की साहबजादा काशान अली खान को इनकार कर सकती है? बिल्कुल नहीं। अब जल्दी जाओ, बाद में फिर उसको मॉम से भी मिलवाना है। ओके, विश मी लक, ऑल्दो आई डोंट नीड इट। Hello. Hi. You're looking beautiful tonight. कहाँ जाने लगी हैं? वो actually Elena मुझे यहाँ बिठा कर गई थी, अपनी मॉम को लेने गई थी, लेकिन काफी देर हो गई है, इसलिए बस मुझे घर चलना चाहिए। ये प्लीज आप उन्हें दे दीजिएगा। ये क्या? Elena का गिफ्ट। ओह, तो Elena ने ये झूठ बोलकर आपको यहाँ इनवाइट किया है? क्या मतलब, कौन सा झूठ? आप बैठे ना प्लीज, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके, एक्चुअली महर, Elena को मैंने कहा था आपको बर्थडे पे इनवाइट करने का। बर्थडे Elena की नहीं, मेरी है। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने सोचा होगा ना कि आप मेरी बर्थडे का सुनकर नहीं आएंगी, इसलिए उसने अपनी बर्थडे का कहकर इनवाइट किया। और इस इनविटेशन की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं आपसे मिलके कुछ बात करना चाहता था। I've fallen in love with you from the first time I've seen you। आपको घर पे आज बुलाने का भी यही मकसद था कि मैं आपको मॉम से मिलाना चाहता था, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। वैसे मैं बहुत हैरान हूं, आप दोनों बहन भाइयों ने जिस तरह धोखे से मुझे इनवाइट किया, लगता है बहुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच। एंड सेकेंडली मिस्टर काशान, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी। महर, महर प्लीज मेरी बात तो सुनती जाओ। थैंक यू फॉर कमिंग। शबरेज, तुम चुप क्यों हो? बात करो मुझसे। देखो, मैं यहां सिर्फ काशान के इसरार पे आया हूँ। I don't want to talk to you. प्लीज जाओ यहाँ से। तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों नाराज नहीं होना चाहिए मुझे? अच्छा, मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। तुम मुंह ठीक करो अपना। अच्छा बताओ, डेकोर कैसा है? इट्स प्रीटी कूल। और तुमने कुछ खाया? जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। आम,
Let's take a picture. Come on, देखो. महर, महर, प्लीज मेरी बात सुनो. लिसन महर, देखो मॉम से तो मिलती जाओ. एलेना कहाँ है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ. मैंने आपसे पूछा कि एलेना कहाँ है. एक्सक्यूज मी. लिसन महर, तुम खुद को समझती क्या हो? किस बात का नखरा है? काशान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो इनसे? देखिए आप प्लीज रिलैक्स करें, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब क्या कहेंगे. ये तो आपको मुझे झूठ बोलकर इनवाइट करने से पहले सोचना चाहिए था ना. आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. काशान की तरफ से मैं एक्सक्यूज करती हूँ. आप प्लीज रिलैक्स करें, आप प्लीज मुझे घर भिजवा दें. मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ. जी प्लीज जल्दी बुलाइए. तुम जाओ यहाँ से. मैं कहीं नहीं जाऊंगा. आप मुझे ड्रॉप कर. मैं? शिप्रेस, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम इसे जानते हो? इन लड़कियों को इज्जत रास नहीं आती. प्यार से प्रपोज किया था पर फिर भी इसे इज्जत रास नहीं आई. अब जब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकूंगा फिर इसे अपनी औकात का एहसास होगा. ये तुम किसकी बात कर रहे हो? इस महर की और किसकी? ना जाने खुद को क्या समझती है. प्रपोज किया तो नखरे दिखाने लगी. शबरेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महर के बारे में बकवास करने की? महर सिर्फ मेरी है. शबरेज, ये सब क्या है? और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? माजबी, कौन लड़की? शबरेज, इस लड़की के लिए कब तक तमाशा बनते रहोगे तुम? सिर्फ लड़की नहीं है ये, जिंदगी है ये मेरी. जिस लड़की ने तुम्हें सारे जमाने में तमाशा बनाकर रख दिया तुम उसे जिंदगी कह रहे हो? हम आप सबके सामने ही मैर मैर लिसन टू मी. शबरेज ने इस लड़की की वजह से सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मुझ पे हाथ उठाया, बचपन की दोस्ती भी भूल गया. मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, नहीं. माजबी, तुम अब भी अपनी बेटे की दीवानगी को डिफेंड करोगी? महर, महर, लिसन टू मी. महर, मेरी बात सुनो. महर, मैं कह रहा हूं ना, सुन लो मेरी बात. महर, अरे ले ले मंजू, मरना है क्या पागल इंसान? ये तुम क्या कर रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मरने देते ना. जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं ना, सब तुम्हारी वजह से. तुम्हारी वजह से मैं हर जगह शर्मिंदा हो गई हूं. शबरेज, तुम दूर हो जाओ ना मुझसे. मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये. तो क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? इसी तरह यू रोज मेरा तमाशा बनाओगे? हाँ, अगर तुम्हारे बारे में कोई बकवास करेगा तो उसका यही हाल करूंगा जो काशान का किया है मैंने. चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर. मैं जिस तरह से आई थी ना, खुद जा सकती हूँ. मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए. तुम जो कुछ कर रहे हो ना, वही बहुत है मेरे लिए.
प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे बारे में कोई बुरा कहता है तो मुझसे नहीं सहा जाता। आज से पूरी दुनिया को आग लगा दो और आखिर में मुझे भी। तुम जितनी बार सवाल करोगी मैं उतनी बार जवाब दूंगा। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर कोई भी हम दोनों के बीच आया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। जब मैं कह रहा हूं कि मैं ड्रॉप करूंगा तो उसका मतलब है कि मैं ही ड्रॉप करूंगा। नाराज हो गई हो? अच्छा, आई एम सॉरी। आइंदा कोशिश करूंगा कि खुद पे कंट्रोल कर। बस तुम और तुम्हारे दावे। क्या कर? तुम्हारे मामले में बेख्तियार हूं। खुदा ना खास्ता तुम्हारी ये बेख्तियारी किसे दे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं। बस तुम साथ ना छोड़। तुमसे कहा भी था कि दूर रोकना, कि तुम कभी सुनते नहीं हो ना मेरी। सॉरी यार, बातों बातों में ध्यान नहीं रहा मेरा। अच्छा अब ना तुम बस जल्दी से निकल जाना, ठीक है? पहले तुम चली जाओ, फिर मैं चला जाऊं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, फिर क्यों मिलने गई हो तुम इससे? अंकल मैं ड्रॉप करने आया हूं बस इसे। आप मेहर को कुछ ना कहें, ये मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैंने सवाल अपनी बेटी से किया है, जवाब भी तुम ही दोगी, बोलो। वाचन, मैं शुक्रे से मिलने नहीं गई थी। अंदर चलो, चलो। आइंदा मैंने तुम्हें इस घर के आसपास भी देखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अंकल आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बदतमीजी करने नहीं आया हूं। अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं मेहर से ना मिलूं तो मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन एक बात आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेहर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। उस वक्त तक करूंगा जब तक आप खुद मेहर का हाथ मेरे हाथ में नहीं देते थे। तुम्हारा ये ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं हो सकता। तुम इस ख्वाब के साथ ही मरोगे। चलें देखते हैं
आपकी ये बात सच होती है या फिर मेरी मोहब्बत जीतती है?